कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली में चल रही कांग्रेस अधिवेशन में मोदी सरकार के खिलाफ 5 बुकलेट जारी की गई है। अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों की हालत, नौजवानों को रोजगार और कथित घोटालों को लेकर बुलेट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की बैठक हो रही है। रिप्रेजेंटेटिव्स, इस निशान की जो शक्ति है वो आपके अंदर है, तो अगर देश को जोड़ने का काम करना है, हम सबको मिलकर, आपको मिलकर और देश की जो जनता है उनको मिलकर करना पड़ेगा। ये जो हमारा प्लेनरी है, इसका लक्ष्य देश को और कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाने का है। सामने सोनिया जी बैठी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, हमारे सब सीनियर नेता हैं, चिदंबरम जी हैं, अमरिंदर सिंह जी हैं, सिद्धरमैया जी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हैं और मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ी, इस चिन्ह की रक्षा की।